पिछले दो वर्षों में कवि सम्मेलनों में जो राजस्थान ने मुझे प्यार दिया वो पूरे देश ने नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में बैठकर राजस्थान के लिए क्या महसूस करता हूं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। और इसलिए भी कि सम्मान मान का उदाहरण, आतिथ्य भाव की परंपरा, अनुराग त्याग भाईचारे की शुद्ध छाव की परंपरा, इसकी रज रज में कण कण में इतिहासों के गौरव छड़े, हौसले अटल आकाशों से जो महाकाल जैसे दृढ़ है हवा यहाँ की गर्व भरी, पानी है स्वाभिमान वाला, हर युवा यहाँ का होता है अपनी धरती का रखवाला, बेटे संघर्ष पहनते हैं बेटियां पहनती हैं लज्जा, है शाका कहीं कहीं जौहर, है यही यहाँ की परिसज्जा, रणभेरी की ध्वनि सुनते ही दिखता है यही विहान मुझे, दिख जाते हैं चेतक राणा, दिख जाते हैं चौहान मुझे, दिखते हैं वीर लड़ाके भी खुद ही खुद में चट्टान मुझे, बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे राम, मजा आ जाएगा, बहुत अच्छे। दिखते हैं वीर लड़ाके भी खुद ही खुद में चट्टान मुझे, बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान मुझे, वो राजस्थान जहां सूरज उगता है स्वाभिमान लेकर, वो राजस्थान जहां सूरज उगता है स्वाभिमान लेकर, वो राजस्थान जहां योद्धा होते हैं अमर प्राण देकर, वो राजस्थान जहां नंगी तलवारें नत दिखाती हैं, वो राजस्थान जहां माएं पुत्रों को युद्ध सिखाती हैं, वो राजस्थान जहां नारी अर्धी को कंधा देती है, तीनों भुवनों का भार स्वयं के कंधों पर धर लेती है, वो राजस्थान जहां पर लोहा अरिदल में भर देते हैं, वो राजस्थान जहां धड़ भी दुश्मन का वध कर बारा बेटा, बहुत अच्छे शाबाश, एक बार इसको तालियां दो यार, मन की एक कविता हो रही है मन से। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, वो राजस्थान जहाँ नारी अर्थी को कंधा देती, मुझे बातचीत करना नहीं आता, मैं सिर्फ कविता पढ़ूंगा। बहुत बढ़िया भाई। वो राजस्थान जहाँ नारी अर्थी को कंधा देती है, तीनों भुवनों का भार स्वयं के कंधों पर धर लेती है, वो राजस्थान जहाँ पर लोहा अरिदल में भर देते हैं, वो राजस्थान जहाँ धड़ भी दुश्मन का वध कर देते हैं, यदि राजस्थान नहीं होता तो सत्य सनातन ना होता, यदि राजस्थान नहीं होता तो सत्य सनातन ना होता, यदि राजस्थान नहीं होता तो गौरव गान नहीं होता, यदि राजस्थान नहीं होता तो हम हिंदू ना रह पाते, यदि राजस्थान नहीं होता। बहुत अच्छे, वाह वाह, शाबाश 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 राम, बहुत बढ़िया। यदि राजस्थान नहीं होता तो सत्य सनातन ना होता, यदि राजस्थान नहीं होता तो धर्म पुरातन ना होता, यदि राजस्थान नहीं होता तो हम हिंदू ना रह पाते, यदि राजस्थान नहीं होता तो धर्म पुरातन, यदि राजस्थान नहीं होता तो हम हिंदू ना रह पाते, यदि राजस्थान नहीं होता तो राम नाम ना कह पाते, यदि राजस्थान नहीं होता तो गौरव गान नहीं होता, यदि राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। यदि राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता। और भैया ये पंक्तियां क्यों, चूंकि सिद्धार्थ भैया इन, ये वो लोग हैं साहब जो मंच के पीछे बैठे हैं, मंच पे बैठे हैं, इन लोगों को देखकर पढ़कर सुनकर मैंने कविताएं लिखनी पढ़नी और बोलनी सीखी हैं, और इनके सानिध्य में जब खड़ा होता हूँ तो थोड़ा सा झिझकता इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पे कॉपी चेक करवानी पड़ती है। अभिनंदन अभिनंदन, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। ये धरती, ये धरती, ये धरती वो धरती है जिस धरती पर अनुशासन है, ये धरती वो धरती है जिस धरती पर अनुशासन है, ये धरती वो धरती जिस धरती पर दीवानापन है, ये धरती वो धरती जिस धरती का हर कण शंकर है, ये धरती
धरती वो धरती जिस पर रहते प्रलयंकर हैं, ये धरती वो धरती जिस धरती पर दान लिखा पाया, मैंने जब राजस्थान लिखा तो हिंदुस्तान लिखा पाया। मैंने जब राजस्थान लिखा तो हिंदुस्तान लिखा पाया। अभी बीकानेर में सिद्धार्थ भैया के कार्यक्रम में दादा आपने एक टिप्पणी कही थी, मुझे वो मेरे दिल में घर कर गई। दादा ने कहा कि राजस्थान का नाम राष्ट्रगान में नहीं आता है। इस बात की मुझे पीड़ा हुई। पंक्तियां पढ़ता हूं और अगर मैंने वास्तविकता में राजस्थान के हक की बात कही हो, राजस्थान के नहीं मैंने मेरी मिट्टी के हक की बात कही हो, तो मुझे आशीर्वाद देना कि मातृभूमि हेतु प्राण द्वार दिए गए और बोलिएगा कौन सा किया गया कर्म नहीं। मातृभूमि हेतु प्राण द्वार दिए गए और बोलिएगा कौन सा किया गया कर्म नहीं। राजस्थान रणबांकुरों से सजी पुण्य भूमि, हम कवियों की तीर्थ स्थली से कम नहीं, हम कवियों की तीर्थ स्थली से कम नहीं, फिर भी ये राजस्थान राष्ट्रगान में नहीं है। इस बात का कभी भी पालना भ्रम नहीं, एक लिंग नाथ ने सनाथ जिसको किया है उसे एक पंक्ति में लिखे किसी में दम नहीं। यार क्या बात है, एक बार मैं चाहता हूं कि मेवाड़ की तालियां हाथ उठाकर इस लड़के को मिलनी चाहिए। फोटो खिंचवानी पड़ती है, हाँ, और जो कुंवारा हो उसको खिंचवानी पड़ती है। एक लिंग नाथ ने सनाथ जिसको किया हो उसे एक पंक्ति में लिखे किसी में दम नहीं। विश्व चाहता है यदि देखना जो भूप कोई, तो देख ले सुभाष सा प्रधान मेरे देश का। आए हाय राजा भूप, विश्व चाहता है यदि देखना जो भूप कोई, तो देख ले सुभाष सा प्रधान मेरे देश का। चाहता विश्व चाहता हो यदि राष्ट्र नियमावली, तो आके देख ले वो संविधान मेरे देश का। अरे कर्म योगियों का यदि देवता हो देखना, तो ये जहान देख ले किसान मेरे देश का। और वीरता का बिंब हो जो देखना कहीं, तो फिर आए आके देखे राजस्थान मेरे देश का। हाँ, शाबाश। तो आए वीरता का बिंब हो जो देखना कहीं, तो फिर आए आके देखे राजस्थान मेरे देश का। ये नया युग क्या हमें सिखलाएगा बतलाएगा। अभी कुलदीप भैया कह रहे थे कि गाने बदल गए, संस्कार जा रहे हैं। मैं बधाई आप आयोजक मंडल को इसलिए भी देता हूं कि जहां संस्कारों के क्षरण से देश गुजर रहा है, आप लोग कवि सम्मेलन की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से आप दुनिया के उन सांस्कृतिक लोगों में से हैं जिनकी वजह से देश चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। यह नया युग क्या हमें बतलाएगा सिखलाएगा, मात्र आकर्षण किसी के काम क्या आ पाएगा। अरे त्याग और बलिदान का अभियान जो भूले वो भूले, दान पुरखों का कभी हमसे न भूला जाएगा।